नमस्कार, द लेटेस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुनील डोगरा। तो आखिरकार सुर्खियों में है अब थापा जी। क्यों आखिरकार मीडिया से है खफा, मीडिया से है नाराजगी। सुर्खियों में थे थापा जी, अपना मेहनती अच्छे से काम करते हुए नजर आते हैं। ये वो शख्स है, सबसे तस्वीरें दिखा देते हैं, जीसी थापा जिनका नाम है, जो कि बसंत रथ की दूसरी कॉपी है। इनके आने से जम्मू में अफरा तफरी भी कहीं ना कहीं खौफ जो है वो फैल गया हुआ कि थापा आ गया। लेकिन थापा जी की बात करें, कहीं ना कहीं अपना जो काम है वो बड़े ईमानदारी से करते हुए आपको नजर आएंगे। जब भी कभी आप जीवल की तरफ से सीधी तरफ तक जाएंगे, आपको ये वही शख्स है जो कि आपको सुबह से लेकर रात तक मेहनती की तरह काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल ये है, ये अपना काम तो बहुत ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक ड्यूटी देते हैं, फिर ये मीडिया से खफा क्यों? अपना काम करते हुए ये नहीं कि सामने मीडिया है, मीडिया को देख के काम करते हैं। जनाब मानिएगा, अगर आप यहाँ से जब भी कभी निकलेंगे, आपको ये बिना ऑफ कैमरा भी काम करते हुए नजर आएंगे, चाहे वो सुबह हो चाहे वो रात के 7 क्यों नहीं बज रहे हो। इसी एरिया में आपको जी सी थापा जी देखने को मिलेंगे। ट्रैफिक पुलिस की बात करें, अपना काम जो है बड़े ही ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। लेकिन इस एरिया की बात करो, सबसे तस्वीरें दिखा दे, जीवल का वो रास्ता है, वहीं से जाम जो है काफी ज्यादा दिखाई देता था। अब जब से जी सी थापा जी वो खुद यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, यहाँ पर हमें बिल्कुल सड़क जो है खाली दिखाई देती है, कोई भी गाड़ी नहीं खड़ी को देखने को मिलती। कोशिश करते हैं जी सी थापा जी से बात करने की, उनका क्या कहना है। थापा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या कहेंगे आप मीडिया से खफा खफा, नाराजगी है, सबसे पहले सवाल यही है। देखिए, ये खफा की बात नहीं है, अच्छी खबर देनी चाहिए जी। अगर कोई लाइव कर ले, दुनिया को, लोगों को पता चले कि ये मसला क्या हुआ है। देखिए, मेरा मकसद हमारा यही होता है कि हम बोलते हैं कि जहाँ ये चौक है, चौक के बारे में दे दीजिए कि अच्छा काम करिए आप हमारे साथ मिलके, कि लोगों को कम ज्यादा से ज्यादा मैसेज भेजें कि गाड़ी का हमने जो स्टैंड बनाया है यहाँ रुके। पब्लिक को भी मैसेज आना चाहिए कि एक जगह पे रुके, तो कोई किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जब भी कोई आएगा जी, वो पहला नंबर यही लिखे था कि ट्रैफिक पुलिस थापा का, तो और हंगामे के बगैर इनको कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी चीजें बोलो, चौक फ्री होना चाहिए, रेड़ियां फड़ियां जो है साइड पे कहीं होनी चाहिए, बाकी जो वायलेशन है वो कम होना चाहिए जी। तो ऐसी चीजें देनी चाहिए जो लोगों के लिए प्रॉब्लम के लिए, आगे भी हमने किसी को पकड़ा नहीं होता है तो बंदे पहले ही उधर पहुंचे होते हैं, उसको उकसाते हैं, उसको ये नहीं पता होता है कि ये उकसा रहे हैं तो मेरा चलान हो जाएगा, तो ये गलत बात है, उकसाना नहीं चाहिए। गामा क्या है, वो भाई मैं चलान अभी पूछा नहीं होता तो आप लोग छोड़ डाल देते हो, तो इसको हमारी ड्यूटी में दखल नहीं देना चाहिए। तो मैं यही चाहता हूँ, ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि मैक्सिमम करना है तो लाइव करें, क्या लगता है कि रिकॉर्ड वगैरह चीजें जो है कुछ और दिखाई जाती है? देखिए, कट बट होता है बीच में, पता नहीं कोई जो लास्ट में होता है वो जो पहले होता है वो लास्ट में देते हैं, पता नहीं लोग देखते हैं वीडियो, पूरी वीडियो देखते ही नहीं है, वो थोड़ी सी देख देते हैं, बस थपा थपा थपा, बस चोर थपा, बस ऐसे छोड़ डाल देते हैं, और लास्ट में जब देखते हैं तो बंदे का कसूर दूसरे का होता है। किसी का चलान करने से कोई चोर हो जाता है? रोड क्लियर कराने से क्या चोर हो जाता है? ऐसे लोगों की सोच ही नहीं है, भड़काना है ना। बुरा लगता है, आप रात दिन मेहनत करते हैं, 8 बजे तक यहाँ पे होते हैं, कितना बुरा लगता है? देखिए, मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है। ऐसे सुर्खियों में आते हो? देखिए, मैं ये इतना महसूस नहीं करता हूँ, मेरा मुझे ही मकसद है कि मैंने अपनी ड्यूटी करनी है, रोड क्लियर होना चाहिए। कल एक एक्सीडेंट हो गया था, मैं जहाँ ही था इधर काम मिट्टी वगैरह इंसिडेंट लगवा रहा था लेबर से, जो ही मुझे पता लगा मैंने उसको हॉस्पिटल पहुँचाया, यही मेरा काम है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को प्रॉब्लम हो गए, हमारा यही मकसद है, लोगों की सेवा, और सेवा करना है, लोग चाहे कुछ भी कहते रहे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मानते हैं लोगों, कमेंट्स तो आते हैं बुरे, आपको कमेंट्स पे नहीं जाना चाहिए, आपको काम आपका बोलना है कहीं ना कहीं। देखिए, वो उस चीज से नहीं जाना चाहिए, जितने भी ट्रैवल वाले बस स्टैंड में हैं वो तो खिलाफ लिखते हैं क्योंकि मैंने सारे अड्डे उनके पटा दिए। अच्छा। वो तो लिखते ही लिखते हैं, वो एक दिन बोल भी रहे थे फेसबुक पे, हम डालते हैं, उनके डालने से नहीं होता है, सभी सीनियर अफसर
अफसर, बड़े बड़े अफसरों को पता है मेरा काम का पता है, काम बोलता है, बस इतना कहना। अब थापा जी को जो पब्लिक देखना आएगी, कितना बजे आप यहाँ पे मिलेंगे बता दीजिएगा। अच्छा मैं एक चीज और बता दूँ आपको, कल के जो वीडियो बनी थी किसी कोई बंदे ना कि कास्ट पे भी आए थे, कास्ट पे जैसे कि कास्ट पे भी आ जाते हैं लोग, थापा नाम देख के भी आ जाते हैं। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, वो लोग बेवकूफ लोग हैं, हम बेल्ट फोर्स के, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। उन लोगों को थोड़ा सा दिमाग में होश में लाना चाहिए, उनको शायद ये नहीं पता है कि FIR भी होती है ऐसे मसले में। बिल्कुल ठीक। तो अब अपने को कितने बजे तक देखने को मिलोगे, आपके जो फैन है आपको देखना चाहते हैं उनको थापा साहब यहाँ पे कितने बजे तक मिलेंगे? अभी 8 बजे आया था, अभी क्या टाइम हो गया, टाइम क्या हो गया, रात के कितने बजे मिलेंगे? 8 बजे तक। 8 बजे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर जिस थापा जी हमारे साथ जुड़े थे, अपना काम जो है बड़ी ही ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि काम करते हुए किसी को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि कौन लोग जो है वो खिलाफ है, वही लोग खिलाफ है जिनके अड्डे वगैरह जो इनको गलत लग रहा है वही ये कर रहे हैं। लेकिन इनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि मीडिया को चाहिए लाइव करके दिखाना, अगर रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड स्टार्टिंग से एंड तक दिखाए, ना कि बीच वाला जो पॉइंट है उसको आगे लाके दिखाया जाए। पब्लिक जो है वो बहुत ही कम वीडियो देखती है, स्टार्टिंग से दिखाना चाहिए, ना कि ऐसा कुछ पॉइंट कट टू कट। जी बिल्कुल, लोगों को मैसेज दे देना कि स्टॉप जहां बनाया हुआ है, गाड़ी जहां रुके, जो चौक है जहां से चौक से पीछे एक स्टॉप है वहां रुके, और जीप चौक के पीछे कोई मेटाडोर नहीं लगाएगा, वो आगे सीधा इधर म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस के बाहर, मैं खुद खड़ा हूँ जहाँ गाड़ी रुके, किसी गाड़ी का चलान नहीं होगा मेटाडोर का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जीवन से लेके यहाँ पे लगाए, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करे, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने से उन्होंने कहा कि मैं खुद यहाँ पे अवेलेबल हूँ, यहाँ पे गाड़ी लगाने से उनका जो चलान है वो नहीं कटेगा। आम पब्लिक को भी चाहिए, आम मेडर्स को भी चाहिए कि इनके साथ कोऑपरेट करे, ताकि चलान काटने की नौबत जो है वो ना आए। ये थे एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए GC थापा जी, जो कि अपनी ड्यूटी जो है बड़े ही ईमानदारी के साथ दे रहे हैं। देखिएगा किस तरह से मेट्रो को इशारा करते हुए और उनको बताते हुए कि साइड पे लगाइएगा, लगाने का इन्होंने बताया कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रोक के गाड़ी लगाइएगा, यहाँ पे लगाने से गाड़ियों को चलान जो है वो नहीं काटा जाएगा, ये जितने भी रोड है उसको खाली रखिएगा, ताकि आम पब्लिक को भी आने जाने की दिक्कत ना हो, यहाँ पे 4-व्हीलर 2-व्हीलर को भी आने जाने की दिक्कत ना हो, और ना ही यहाँ पे जाम जो है वो लग जाए। इसीलिए आम पब्लिक को भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पब्लिक को भी चाहिए कोऑपरेट करके चले। तो GC थापा जी से बातचीत करें, क्यों है वो खफा मीडिया वालों से, उन्होंने डिटेल वाइज हमें सबको लाइव में बताया। देखते रहेगा व्यूअर्स जुड़े, कैमरामैन गगन के साथ डोगरा को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।